में नौकरानी की संदेहजनक आत्महत्या। अमलार पश्चिम स्थित कल्पतरु पिनाकल में काम करने वाली एक 20 साल के लड़की के आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। मृत लड़की का नाम कुसुम कनुजिया है। लड़की की उम्र 20 साल बताई जा रही है। 6 मार्च 2019 को इस लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। लड़की के परिवार वाले उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण लड़की मुंबई में नौकरानी का काम करके अपने परिवार की मदद करती थी। कुसुम कनुजिया पिनाकल बिल्डिंग के 20वें मंजिल पर रहने वाले हरीश शेखावत नाम के व्यक्ति के घर पिछले कई समय से नौकरानी का काम करती थी, लेकिन किसी कारणवश उसने 6 तारीख को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कुसुम के आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मलार पुलिस इस केस की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस ने मृत कुसुम कनुजिया के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए बोरिवली के भगवती अस्पताल में भेज दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरीश शेखावत के ऊपर इससे पहले भी एक महिला के आत्महत्या करने का मामला दर्ज है। बता दें कि हरीश शेखावत ने एक विवाहित महिला अनिता देड़िया से नाजायज संबंध बनाए थे और वो उसे लगातार अपने हवस का शिकार बनाता था। जब महिला उसे मना करती थी तब वो उसे मारता पीटता था और गाली गलौज भी करता था। आखिरकार इन सब से परेशान होकर अमिताभ देड़िया ने आत्महत्या कर ली थी। मृत महिला के पति ने 2013 में हरीश शेखावत के खिलाफ मलाड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की थी। धारा 306 के तहत पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और दिंडोशी कोर्ट में उस केस की सुनवाई भी चल रही है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर घरेलू कामगार सेना की अध्यक्षा दीपिका दल भी मौजूद है। दीपिका जी, पिनाकल बिल्डिंग में एक 20 साल की लड़की ने आत्महत्या की है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कुसुम कनुजिया करके लड़की है, 20 उम्र उसकी 20 के अंदर है। कुछ हरीश शेखावत के पास वो काम करती थी लड़की, 6 तारीख को उसने आत्महत्या की। तो आज हम लोग गए थे इधर भगवती में, अभी तक उसका PM हुआ नहीं है। तो भगवती में उन लोग ने बोला जब तक हमको पुलिस स्टेशन से कुछ ऑर्डर आता नहीं है और उसके घर वाले जब तक आते नहीं, जब तक हम लोग बॉडी को हाथ में लगाएंगे तब तक वैसे ही रखा है। तो हम लोग ने खाली उनको इतना ही बोला भगवती वालों को कि हमको डॉक्टर को मिला भी इतनी कि उसका जो PM जो सच है वही लिख के देना, क्योंकि जिसके पास जो काम करती थी हरीश शेखावत के पास उसका रिकॉर्ड खराब है। उसका पहले भी कुछ था, चल रहा था ऐसा। तो इसके लिए हम लोग को सुनने में कि उसका रिकॉर्ड खराब है, वो हम लोग निकालने के लिए बाहर तो कहेंगे। तो फिर उन्होंने ऐसा कहा तो हम लोग बोले ठीक है। तो हम लोग गए पुलिस स्टेशन मलाड में, तो वहाँ से उन्होंने तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है और जब तक वो लोग आते नहीं है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग ने बोला उसका बैकग्राउंड खराब है, तो उन्होंने हम लोग को ये बोला पुलिस वालों ने कि आप ऐसा है तो आप हमको प्रूफ लग के दो, हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करेंगे। अगर हम लोग उनको प्रूफ लग के देंगे तो वो लोग क्या करेंगे? दीपिका दलवी की बातों से आपको अंदाजा आ गया होगा कि पुलिस इस केस को गंभीरता से नहीं ले रही है। एक मासूम लड़की की किसी इंसान की वजह से जान चली जाती है और उसका आरोपी बेखौफ होकर बाहर घूमता है और उससे पुलिस वाले कोई सवाल नहीं पूछते। उल्टा जो लोग इंसाफ मांगने के लिए जाता है उन्हीं को आरोपी के खिलाफ सबूत लाकर देने के लिए कहा जाता है। इससे कहीं ना कहीं पुलिस की जांच पड़ताल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कुसुम और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अनिता तलवार भी आगे आई है, तो आइए जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। कालपत्रु पिनाकल बिल्डिंग 20वें माले पर एक घर काम करने वाली कुसुम कनौजिया नाम की 20 साल की लड़की ने आत्महत्या की है। और जिसके घर पर वो काम करती थी उसके घर मालिक का नाम है हरीश शेखावत। हरीश शेखावत के ऊपर 2013 का भी एक CR है, वहाँ पर उसने और एक पहले भी एक महिला को ऐसे अत्याचार वगैरह किया और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। उस महिला के पति ने उस पर केस फाइल किया है
और अब जो कुसुम के साथ हुआ है, हमें भी ये शक है कि कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। जब अब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, हम पुलिस स्टेशन भी गए थे, वहाँ पर हमने सीनियर से भी बात की, हमने उनको भी बताया कि ऐसे ऐसे उनके ऊपर ऑलरेडी एक CR चल रहा है। तो हमें पुलिस वाले बोलते हैं आपके पास क्या प्रूफ है और आपके पास कंप्लेंट लेके कौन आया। अब जो घर काम करने वाली गरीब औरतें हैं वो तो ये सब झमेले में फंसेगी नहीं, वो तो डरती हैं कि हमारा नाम नहीं आया और पुलिस हमें कुछ अननेसेसरी टॉर्चरिंग नहीं करे, तो हमने उनको नाम नहीं बताया। बट अभी वो बोल रहे हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है, आप प्रूफ लेके आइए। अब हमारे पास प्रूफ भी है, हम सिर्फ पुलिस वालों से हेल्प मांगते हैं। अब उसके माता पिता से हम मिलेंगे और उनसे आगे की जाँच करेंगे कि क्या है, और हम सिर्फ पुलिस वालों को इतना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी है सच्चाई से ये केस में वो हमारा साथ दें, नहीं तो हम घर काम महिलाओं को लेके हम पुलिस स्टेशन पर मोर्चा निकालेंगे। कुसुम ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है, ये तो पुलिस के निष्पक्ष जांच से ही पता चलेगा। लेकिन अब देखना ये है कि क्या मलाड पुलिस इस केस को निष्पक्ष होकर सुलझाती है, या चंद पैसों के लिए जैसे बाकी रईसों के केस को दबा दिया जाता है, वैसा ही कुछ इस केस में भी किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।